हम सभी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं। हम सभी की अलग अलग इनकम और लाइफ कंडीशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो हम सभी को एकजुट करता है। अरे शुक्रिया भगवान। जीत का मौका, वाओ वाहित, जैकपॉट की संभावना, मिल गया पूरा मिल गया आज। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी एक परिवार हैं। मैं यहाँ हूँ। ये जगह कुछ खास नहीं है, तुम क्यों लोगों को इधर आने को कहते रहते हो? इस तरह के ट्रक पर आने के लिए लोग नहीं मिलते। अगर किसी ने ये ट्रिप ना बनाया होता तो तुम्हें आने का मौका ही नहीं मिलता। हम खुद चले जाते ताकि गाइड के पैसे बच जाते। होंग की वजह से बेहतर तैयारी हो गई। तैयारी? तुम्हें उसके लिए तैयारी की जरूरत है। दोगे? नहीं, लेंस टूट गया है। हे, ट्रक खराब हो गया, क्या धक्का लगा दोगे प्लीज? तीन गिनने पर लगाना, ओके? एक, दो, तीन। लगाओ फिर से, लगाओ एक बार और। ये तुम्हारे लिए, शुक्रिया। तुम्हारा ट्रिप अच्छा रहे। ओके। नहीं चल सकता।
क्या हुआ? धत, बैग की तनी टूट गई। थोड़ा सामान मैं रख लेता हूँ, मेरे बैग में जगह है। ये रख लो फिर। ओके। हम वो झरना नहीं चढ़ेंगे, तो रस्सी क्यों लाए? सेफ्टी के लिए लाया था, कहीं कोई फिसल गया या गिर गया उन्हें बचाने के काम आएगी। Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें वन एक्स बैट्स। हेलो, क्या हुआ मॉम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? चिंता हो रही थी तुम्हारी। नेटवर्क नहीं आ रहे मॉम। अच्छा, अभी कहाँ हो? जंगल की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से जाना, ठीक है? मुझे चिंता हो रही है, खासकर केन की। केन, मॉम का फोन है। एक सेकंड। हाँ मॉम, क्या कर रहे हो? टेस्ट चेक कर रही हूँ। एक दूसरे का ध्यान रखना, अकेले मत जाना, नहीं तो गुम हो जाओगे। चिंता मत करो मॉम। ओके, मैं और नोगो को उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हे, आराम से। पागल, हेलो, इसकी मत सुनो मॉम, आपसे पंगे ले रहा है। अब मुझे जाना है, बाय। बात कर रही हूँ और इसने रख दिया। सबसे पहले आप सबका इस ट्रिप पर स्वागत है और आप सबको गुड लक, आपकी ट्रिप अच्छी हो। मैं दूर जाना चाहता हूँ। मैं इस थकी हुई और बिजी जिंदगी से दूर जाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे चलते जाओ। अगर किसी ने रोका तो हम भाग जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे। हम पहली बार भाग कर प्रकृति के पास आए हैं। अपना बैग उठाओ और चलो, कोई बहाना नहीं। हम जंगल में जंगली जानवरों के साथ भागेंगे। चलो दूर भाग जाएं, जहां तुम हो वही घर है। पर रात होने वाली है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये ये मुझे लगा तुम पार कर लोगी। नाटक कर रही थी देखने के लिए तुम क्या करते हो। मुश्किल हो रही है। धीरे से। ओके ओके, फिसल सकता हूँ। बस शुक्रिया। हे बैच, दुर्भाग्य भगाने के लिए पानी के छींटे मार रहे हो। नहीं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी आराम से पार कर लें। केन, ऐसे मत कूदो, इसमें खतरा है, फिसलन हो तो गिर जाओगे। तुम चिंता मत करो, ये मेरा पहला ट्रैक नहीं है। पता है, पर ये इलाका अनजान है। अगर तुम गिर गए तो किसी को तुम्हें उठाना पड़ेगा और सारी ट्रिप बर्बाद हो जाएगी। पता है, तुम मेरे गाइड हो, पर मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। अगर मेरी टांग भी टूट गई तभी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये
तुमने देखा बैश ने झरने पर क्या किया? जो एक भरोसेमंद इंसान को करना चाहिए। यहाँ कोई नहीं है। जल्दी करो बच्चों, लंबा रास्ता है। ठीक हो? ठीक हो, ध्यान से। ठीक हूँ। ओके ध्यान से। ओके ध्यान से। चलते रहो बच्चों, अभी आधा रास्ता भी नहीं हुआ। मैं बहुत थक गया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। चलती रहो। थक गई? करना था? नहीं, मेरे आगे चलने वाला थक गया है। मोटे, बाप रे, मैं तो बहुत थक गया। घर पर ही रुकना चाहिए था। तुमने ही तो ट्रिप पर चलने की जिद की थी ना। ओके। मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हे, बैग उठा लो। हाँ हाँ, मेरा उठा लो। नहीं ठीक है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। बाप रे बाप, बहुत थक गया रे। नगोस सबसे लकी है, एक हैंसम कुली जो है उसके साथ। हे नगोस, इस ग्रुप में बस जैसा मर्द कोई नहीं है। चलो ब्रेक खत्म हुआ। हे, चलो। गो। हे, क्या कह रही थी? बेची मर्द है। हाँ, अब से थकान हो तो उसे ही मदद मांगना। बच्चों की तरह मत करो, बहुत हो गया, दिमाग खराब मत करो। ताकत बचा कर रखो अपनी, अगर ट्रिप पर नहीं आना तो वापस जा सकते हो। सब बर्बाद कर दिया, पहले से ही था।
ठीक हो? ओह शिट, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। पहले ही रास्ता ढूंढ रहे हो मिस्टर टूर गाइड। हे बच्चों, ध्यान से, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारे गाइड को ही रास्ता नहीं पता। क्या कह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, ये जंगल हर साल एक जान लेता है। कमीने, रुक जाओ। ये ट्रैकर को डराने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका टूर बुक नहीं किया। तो ना रही रहा। है। कहीं तुम यहाँ पहली बार तो नहीं आए? तुम लोग नहीं यहाँ। तुम चाहो तो पैसे वापस ले लो। खान, डर लग रहा है यहाँ। इस गाइड के साथ ट्रिप जारी रखें क्या? सब ठीक होगा, चिंता मत करो। चलो। लंच कर लो। मुझे भूख लगी है, इतनी तेज भूख लगी है कि मैं यहां सबके लंच खा सकता हूं। हे, बाकियों के आने का इंतजार करो। ब्रेड खाकर देख रहा था कहीं बासी तो नहीं हो गई। पागल हो क्या, बासी कैसे हो सकती है? एक मीट को इतना कवर क्यों किया है? मॉम ने बताया है। बहुत खाना है। ये कुछ भी नहीं है, इसलिए लाया था ताकि सब शेयर कर सकें। बहुत बढ़िया, जितना ज्यादा उतना बेहतर। बच्चे तुम्हारे लिए नहीं, नगोस के लिए लाया है। केन, केन, थोड़ा पानी ले आओ। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। गर्दन पर क्या हुआ? मुझे तुम चाहिए। कुछ नहीं, लग गई थी। ओह अच्छा, तुम उस दिन मुझसे मिलने क्यों आई थी? नॉक, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, गलत जगह चली गई थी।
हुआंग। वहां से क्यों ना चलें? बस मेरे पीछे चलो, मुझे वहां से जाना है। पहले कभी यहां आए हो? नहीं, तुम भी नहीं आए ना? हाँ, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, पर यहाँ के बारे में पढ़ा है। तुमने सिर्फ पढ़ा है, ये रास्ता है कोई डेड एंड नहीं है, जब तक नहीं जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। ये ट्रिप मैंने बनाई है, मैं तुम्हारा गाइड हूँ और मैंने ये ट्रिप बहुत ध्यान से बनाई है, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। तुम्हारे पीछे, चल हट। ठीक है, चलो वोट कर लो। खतरों के बावजूद कौन इसके साथ जाना चाहता है? अपने हाथ उठाओ। हमारा गाइड हांग है, हमें उसकी ही सुननी होगी, हमें अच्छा लगे या नहीं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, और शुरू से हमारा गाइड हुआंग ही है, हमें उसके साथ ही जाना चाहिए। ये सही कह रहे हैं केन, चलो। ओके, सबको सही है और मैं गलत हूँ। ओके, सही खेल रहे हैं। चलो नगोस, नगोस, इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? नहीं तो हे बैच, मेरी एक फोटो लेना। ओके, दो तीन। केन, चलो कैंप में पहुंचने में समय लगेगा, यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। आराम से चलते, जल्दी क्या है? हाँ
हमेशा से यहाँ टेंट होता है। मैंने यहाँ के लोगों से पहले ही लगाने के लिए कहा था। टेंट और कैंप फायर लगाने में मेरी मदद करो, मजे करने का टाइम है। सुबह जो हुआ उसे भूल जाओ। हमारे पास 3 टेंट है, खान और केन एक लेंगे। फोक नोक के साथ टेंट शेयर करेगा। बैक तुम मेरे साथ रहना। ओके नगो, प्लीज सोते समय मुझे पकड़ना मत। ओके कोई प्रेग्नेंट हो सकता है पर वो मैं होऊंगा, तुम नहीं। ओके फोक पानी, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ या कुछ ऐसा चाहिए क्या? हाँ थोड़ा ठंडा पानी ले लो, बहुत थक गया हूँ। ये टेंट बहुत अच्छा है, मदद करने के लिए शुक्रिया। ये तो कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। ये मुझे दो, जाओ नगोस की मदद करो। मैं नहाने लगा हूं। ओके फोक ठीक हो? बस थोड़ी ठंड लग रही है। हे क्या हुआ तुम लोगों को? थोड़ा हंस भी लो, हम छुट्टी पर आए हैं और तुम सब इतने उदास हो। केन, लड़ाई करना बंद करो। जब से ट्रिप शुरू हुआ है तुम प्रॉब्लम खड़ी कर रही हो, मैं नहीं। क्या कर रही हो ना? अभी भी खान के लिए महसूस करते हो? पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता? इतना चिल्ला क्यों रही हो? थोड़ी फोटो ही तो है। कुछ फोटो फिर उन्हें छुपा क्यों रहे हो? शायद कुछ ही नहीं बल्कि दर्जनों हजारों होंगी जो तुमने खान की जानकारी के बिना ली उस दिन तुम्हारे कमरे में। मैंने खान को देखा था। क्या बकवास कर रही हो? तुम पागल हो? किन? मैं समझ सकता हूँ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब क्या? केन, रुक जाओ। बाख लगी तो नहीं? केन पागल हो क्या? अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते? सही कहा, मैं समझदार नहीं हूँ। और तुम दोनों हमेशा से कहते हो तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, और तुम में से एक छुप छुप कर फोटो लेता रहा और दूसरे ने कहा कि वो सबसे अच्छा मर्द है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो। तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। चुप करो, लड़ना बंद करो। बंद करो, फुसी बेहोश हो गया है। हो गया तुम्हारा? फोक बेहोश हो गया। तुम
तुमने हद पार कर दी ना। पोसी को देखकर आती हूँ। उसी का बुखार कल रात से बढ़ गया है, वो बेहोश है। बैक मेडिसिन बॉक्स दो। बैक नगोस, अगर इसे कुछ हुआ तो सारी गलती मेरी होगी। मिला, रेस्क्यू टीम कब आएगी? हुआंग, यहाँ सिग्नल नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा। फांडंग झरने से हमें कोई लेने आएगा। सब जल्दी सामान पैक करो। बैक, चलो बैक। रुको, बैक कहाँ है? चिंता मत करो, शायद शर्मिंदा हो रहा होगा तो पहले निकल गया। सब यहां थोड़ा आराम कर लो। होवांग, हम जल्दी चल रहे हैं लेकिन बाघ क्यों नहीं दिख रहा? शायद हमें बाघ को ढूंढने जाना चाहिए। नहीं जा सकते, फोक नहीं जा पाएगा। ऊपर से उसे कहां ढूंढेंगे? जल्दी से रजिस्ट्रेशन चलो, फिर रेस्क्यू टीम से कहेंगे उसे ढूंढने के लिए। केन,
रुको, ये तो वही बैग है जो कल बैग के पास था। ये रास्ता सीधा फंडन जाता है। उल्टे हाथ से चलें तो वो गलत रास्ता है। चलो अब हमें पहले फॉग को यहां से निकालना है। हो सकता है बैग वहां हमारा इंतजार कर रहा हो। इस तरफ जाना बैच। बैच बैच रुको, वहां मत जाओ। क्या हुआ? मैंने बैच को गलत रास्ते जाते देखा। उसका चेहरा कीड़ों से ढका था। वो एक सपना था। नाम ने भी वही रास्ता लिया था। नेम कौन है? मेरा तो बता, हमें क्या हुआ था? पिछले साल इसी वक्त नाम यहां अकेला आया और फिर किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। प्लीज वापिस चलकर बाघ को ढूंढते हैं। उन तस्वीरों में कुछ गलत नहीं था। हम साथ में बाहर गए थे। बाघ ने खान की कुछ तस्वीरें ली थी। खान हमेशा उसकी तारीफ करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि बाघ और हम साथ रहें। तो फिर तुमने क्यों कहा कि बैज खान को स्टॉक कर रहा था? हमें अभी फॉग को बाहर निकालना होगा, फिर रेस्क्यू टीम से बैग को ढूंढने को कहेंगे। शायद बैग ठीक हो सकता है वो पहुंच गया हो। कितनी पागल हो तुम नगोस। सॉरी, तुम हम सबको यहाँ देखने के लिए लाई कि इस रास्ते पर क्या है। ओके, प्लीज मैं समझाता हूँ। प्लीज मैं समझाता हूँ कमीने। मैं बैच को ढूंढने जा रहा हूँ। शांत हो जाओ। तुम्हारे बिना हम फोक को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। ये भी नहीं पता बैग वहाँ पे है भी या नहीं। अगर वो है भी तो हम रेस्क्यू टीम के बिना कुछ नहीं कर सकते। बेकार कोशिश मत करो। केन, चलो उठो। चलो मैं ठीक हूं।
मैं ठीक हूँ। हेलो, तुम झरने पर पहुंच गए? यहाँ एक को मेडिकल स्टेशन ले जाना है, जल्दी। हाँ केन थक गई, मैं फुओसी को पकड़ लेती हूँ। बैच, 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 या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। बैच, बैच। हमें दे दो, हमारी बाइक में ले जाएंगे वहां पर। हमसे पहले किसी को देखा था? दो पैर से ही है, हमने किसी को नहीं देखा। होएंग, केन कहां है? ओह नहीं, मुझे केन को ढूंढना होगा। कहाँ ढूंढोगी? कोई और अलग मत होना, तुम चाहती हो सब मर जाए? अब से नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं। मेरी मॉम तुम्हारी भी मॉम होगी। क्या ये पग है? गुड लक।
मेरे लिए है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे हमेशा से ऐसी बिल्ली चाहिए थी? वो आ रही है, सीधा बोल देना। हमें शॉपिंग पर जाना चाहिए और जिम भी। इस महीने तानंग बहुत सुंदर लगेगा। केन, 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 बैच 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 कितना बढ़िया दिन है। मैं अब तक 10 लोगों को बचा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ जल्दी पैसे मिलते हैं और बड़ी रकम हाथ आती है। 1xBet पर इतने ज्यादा पैसे जीते पर ये चंद सिक्कों से ही मिल सकते हैं। 1xBet सट्टेबाजी की कंपनी। Thank you.
बैच। केन? मैं यहाँ हूँ। केन, केन पागल हो क्या? तुम उसे ऐसा नहीं कर सकते। तुम अभी भी खान के लिए महसूस करते हो ना? रही है। शायद वो शर्मिंदा होकर चला गया। आदमी की तरह बर्ताव नहीं कर दूसरा सकते। कहता है वो सबसे अच्छा है और मर्द है। बाख अशुभ बातें क्यों कर रहा है? उन फोटो में कुछ गलत नहीं था। बैच, नांग फांग डोंग से रेस्क्यू टीम की ताजा खबर है। अभी तक दो ट्रैकर का कोई अता पता नहीं है। वो दो हैं केन और ट्रेन जिया बैच। वो अपने ग्रुप से अलग हो गए थे और दो दिन से लापता हैं। उनके दोस्त अभी भी वही हैं और अनुभवी वॉलंटियर से मदद मांग रहे हैं। टा नांग फेंग डन सबसे खतरनाक ट्रैकिंग रूट है। ट्रैकर को सलाह दी जाती है कि गाइड के साथ रहें और ग्रुप से अलग ना हो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। केन, 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 उठो केन। बैच, यहाँ क्यों लेटे हो? तुम यहाँ हो? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे लगा कि तुम यार, तुम हमेशा बुरा बोलते हो। मुंह धो लो। उठो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहाँ? पता नहीं कहाँ जाना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा।
शैतान, इतनी देर से क्यों आए? हे बच्चों, थोड़ा फल खा लो। खासकर तुम किन, थोड़े ही दिन ट्रैक पर गए और इतने दुबले हो गए। वापिस आ गए, बैठ जाओ। बस बन गया, बहुत अच्छा बना है। हमेशा याद दिलाती हूँ, खाने से पहले प्रार्थना किया करो। केन, केन, यहां क्यों लेटे हो? बैच, तुम हो? बैच, मैं इस दुनिया में एक मर्द लाया था, तुम्हारी तरह बेकार लड़की नहीं केन। भाई
हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, हमें खाना देते हैं और हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, क्योंकि हम उन्हें माफ करते हैं जो हम पर अत्याचार करते हैं। प्लीज हमें बुराई से बचाओ। आमीन। कहाँ जा रही हो मॉम? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? रुको मॉम, मॉम प्लीज मत जाओ मॉम, आप नहीं जा सकते। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मॉम। I love you बेटा। Sorry। नहीं मॉम, मॉम। आंटी, वो कब और कहाँ घूमे? बक कहाँ है? बक तनान के ऊपर घूमे। सॉरी आंटी। और के दफन दुम झरने के बाद। तेरी तो। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ प्लीज, हमें संभाल ले। कैसे लीडर हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा? बक कहाँ है? बक आंटी, भीख मांगती हूँ, मेरे बक को ढूंढो। Thank you.
भगवान, हे भगवान, मुझे क्यों नहीं उठा लिया तुमने? मैं यहाँ केन, केन, Thank you.
केन, 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 मैं यहां हूं। केन, मैं यहां हूं। केन, मैं यहां हूं। केन, मैं यहां हूं। मैं इस दुनिया में मर्द लेकर आया था। केन, तुम्हारी तरह बेकार लड़के नहीं। केन, मैं यहां हूं। केन, कमीने कुत्ते। केन, मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। तुम मेरे बेटे हो। केन, Ugh.
तुम यहाँ हो। बैच उठो, हे उठो, उठो बैच, उठो। बाख मत छोड़ो। बाख वापिस आ जा मेरे बच्चे। केन कहाँ है? बाख कैसा है? हम यहाँ 5 दिन से इंतजार कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई खबर मिलती है हम तुरंत बता देंगे। उठो जी। तुम जाओ जी। बोलना बंद करो, आराम करो, आराम करो। मैं ज्यादा देर तक नहीं बचूंगा। प्लीज बेकार की बातें करना बंद करो। गाय, तुम्हें जीना होगा। मेरी बात सुनो। खान तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों बम्बई साथ घर जाएंगे। सब हमें ढूंढ रहे हैं। रेस्क्यू टीम की आवाज भी आ रही है। केन, बैच, जा। क्या कह रहे हो? रुको, तुम्हें जीना होगा। बक, केन, केन, बक, बक, केन। खाओ, निगलने की कोशिश करो।
ए, वो मिल गए। नीचे झरने के नीचे जल्दी जल्दी रस्सी नीचे लाओ जल्दी। वो यहाँ नीचे है जल्दी जल्दी करो। डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर 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 किन कैसे हो? तुम्हें यहाँ 3 दिन से ज्यादा हो गई। 3 दिन से ज्यादा? बहस कहाँ है? उम्मीद है जब मैं मिलूंगा तो तुम्हें ये मेमोरी कार्ड मिलेगा। केन, मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, अलग होने से डर लगता है। पर बिना तुम्हें समझाए मैं शांति से मर नहीं सकूंगा। तुम हमेशा से मेरे अच्छे भाई हो। अगर दोबारा जन्म होता है तुम और मैं असली भाई बनेंगे। उम्मीद है केन, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। केन, तुम्हें मेरी मॉम का ख्याल रखना होगा। वादा करो केन। केन, बाक ने ये मेमोरी कार्ड को बांधा हुआ था और इसे सेफ रखा। रेस्क्यू टीम ने कहा कि तुम दोनों के मिलने से 1 हफ्ता पहले बाक मर चुका था। Thank you.
इस तरफ जाना बैच। Đến có người đi và có người ở lại, yeah. Có lúc khôn và cũng có lần dở dại, yeah. Có lúc tuổi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa, có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoang ca. Đời cho ta quá nhiều thứ, ta chưa cho đời được nhiều, đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều. Mười năm một bức họa cũng may là trời đời sáng hơn. Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Mặt trời là cái bếp lớn, còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Màn hôm là giải lụa, còn màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị cấm ngăn. Nhớ nhau trên con đường vắng, từ những mình không cần tăng ga. Lắng nghe cuộc đời như lá, lá rơi nghiêng như trần đăng khoa. Cho cuộc đời thêm phần thăng hoa. Âm nhạc là cô gái đẹp ta và nhạc bao lần trăng hoa. Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm. Sống làm sao khi khó còn được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng chẳng có đâu mà dài. Giống như eo cây ta vẫn tự hỏi nhiều khi đến vô lại. Hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hát để tâm tư vén màn, hạ mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại chắc nó hợp thời đại. Anh níu những cành cây khô và mong ngày sau lá rập trời lại. Mọi thứ ngày càng phát triển, sao chúng ta càng bị bất an. Anh sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về tiền trắng hoang. Ngoài niềm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán. Gói từng chút từng chút từng chút như con giả tràng không cần công cán. Đó là thứ tài sản vô giá, không ai mua và cũng không bán. Thấy lẽ lo như con chuồn chuồn bay chơi bơi trên mặt sông thoáng. Con người cũng như con chim sáng kiếm ăn chưa bay vào tổ. Con nào cũng như con nào, chẳng con sướng chẳng con nào khổ. Con người cũng như con chim chiều về tổ sáng thì kiếm ăn. Ngày mãi mê đi tìm cơm gạo, đêm con mình chỉ một miếng trăng. Cuộc đời là nồi cá kho, muốn nó ngon phải kho nhiều lửa. Có quá nhiều thứ mưu cầu, ta chỉ cần được nó nhiều bữa. Ta nhận cuộc đời quá nhiều và ta cần phải cho nhiều nữa. Và xuống bóng trong những đêm đông, mẹ không còn phải hoa nhiều nữa. Có cánh hoa nào không tan, có giấc mơ nào không tan. Hát để tâm tư vén màn, hạ mình xuôi với mây ngàn. Lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm. Một đời này ta sẽ có. Ta đã từng đứng dưới cung và đã từng việc vì ta đã nhận những lời khen và cả lời miệt thị. Và ta tin nó vẫn còn đó, vẫn chưa hề triệt tiêu. 10 năm qua ta vẫn cố gắng làm nhạc người Việt chiêu. Nó cũng đã bỏ cuộc, ta vẫn là con đom đóm, tụi nó chạy nhiều bò. Ta lập lại cả cuộc đời, tụi nó đã tắt từ lâu. Thời gian là thứ gì cỏ, dưới hơn cả thuốc trừ sâu. 10 năm ta vẫn là tao, vẫn không khác mấy. Nhạc tháng ngoài nơi thương vẫn tên sáng ấy. Có người nói ta thay đổi không là tao thích nghi. Bất cứ những tháng xét người đời thích nghi. Ta sẽ vẫn rap tiếp cho bản thân tao trước. Khi mà ta còn thở, khi mà chân tao bước. Khi tao còn lo lắng cho những người ghét tao. Dẫu theo ta không bỏ cuộc, bạn phải biết bao. Bước vào cuộc chơi, ta không có gì để mà mất cả. Cách mà ta kiếm tiền là niềm vui vượt lên trên tất cả. Con đường do ta chọn và ta cam tâm bước. Ta thà chìm dưới đại dương còn hơn bị tan trong nước. Ôi trời sao, không được cười muốn được khóc như ngày đầu đời ta. Có giấc mơ nào không tan? Lòng mình
chưa.